मेरा नाम करो, जैसा कि मेरे YouTube चैनल पे आज ब्लॉग सर, आज मंडे का दिन है और हम फिर ऑफिस जा रहे हैं। ये मेरी डेली रूटीन यही है, मैं 10 11 साढ़े 11 कभी कभी 12 बजे ऑफिस जाता हूँ। अच्छा, और दूसरा मैंने सैटरडे वाले दिन जो लास्ट ब्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने कहा था मैं शॉक चेंज करवाने, आज वो शॉक आ चुके हैं। अच्छा, और बाइक मैंने आज इधर घर में खड़ा हो गया किया हुआ, वरना मेरा फार्म हाउस पे बाइक खड़ा हो गया। चेक करें, इधर खड़ा किया था रात को, पता नहीं किसने इधर खड़ा, शायद उसामा ने कर दिया मेरे छोटे भाई ने। यार ये स्टिकर ठीक है तो उतारो। ये जी बाइक है, इसकी की किधर पड़ी है यार, मोटरसाइकिल इधर लगा देते हैं। इसकी चाबी 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 हर बार चाबी घूम जाती है और इसका इतना बड़ा मसला है ना, क्या बताऊं मैं। हाँ पड़ी हुई है, सामो कह दिया था। चलें जी अब निकलते हैं ऑफिस के लिए, फिर आपको मिलते हैं 4 बजे। मैं अब निकलते हैं। यार ये जब मैंने पीछे से गाड़ी ली, ये निशान जो पड़े हुए हैं ये देखें, नजर आ रहे हैं आपको, ये वाला देखिए क्या करते थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। बाय यार, इसको मैंने उधर खड़ा करना है, उसको कहता हूँ अपना गार्ड को कि बाइक मेरा उधर फार्म हाउस खड़ा करे। अब मैं जाऊंगा अपने पिछले वाले ऑफिस में, बाद में मैं दूसरे ऑफिस जाऊंगा अपने, थोड़ा सा यार गाड़ी को वार्म अप होने दें। चलें जी निकले, चले 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 जी। यार ये जो हमारा दरवाज़ा है ना, हवा से अचानक बंद हो जाता है और पता भी नहीं लगता, दरवाजे में लगने के चांसेस जो बढ़ जाते हैं। मैं खड़ा करता हूँ इधर, मैं जब से लिया आज ही दूसरी बार खड़ा किया, वरना हम उस पर खड़ा होता है। चले जी ऑफिस हम पहुँच गए हैं और चाबी ले ली है। यार बुला ले उधर ना, मोटरसाइकिल ले आया मेरी ना, कार खड़ी है, ध्यान ना रेड़ के ले आया है, आप पट्ठे रख दे, वो थोड़ा मोटरसाइकिल ले आया, गराज ही खड़ी हुई है, तो दूसरी मोटरसाइकिल इतने अंदर ही लाई है। हमजा की जो बाइक है 12 मोटर, हमारी बाइक कहाँ खड़ी होती है, यहाँ पे खड़ी होती है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, एक बाइक ही खड़ा हुआ है, चेक कर माशाल्लाह। अच्छा जो मेरा बाइक है ना 12 मोटर, उसकी ये बड़ी लाइट वाली जो चीज़ है, ये जो बड़ी लाइट है वो इस साइड पे है और छोटी लाइट इस साइड पे है। 15 मॉडल के बाद उन्होंने बड़ी लाइट राइट साइड पर, छोटी लाइट लेफ्ट साइड, जैसे एक्सेंट है ये। और मेरे बाइक का जो ये शेप है ना, वो बिल्कुल ऐसे करके, इसकी थोड़ी सी कर्व है ये देखें, ऐसे करके आती है ऐसे। और इसमें लेन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, बहुत कुछ है इसके अंदर ना, क्रूज कंट्रोल भी है। नया बाइक है भैया, हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और अब तो ब्लॉगर में बन ही सकता है क्योंकि टाइम आ रहे रस्ते जा। प्लान बना लो कराची का, ठीक है। मैं छोटी सी मीटिंग में था, मीटिंग हो गई है मेरी, टाइम हो चुका है 5:30 और मैंने शॉक चेंज करवाने थे। और हमजा को बंदा था जिसने शॉक चेंज करवाए, 2 दिन हो गए उसने ना, जो मेरे पिछले ब्लॉग में कहा था मैंने शॉक चेंज करवाने, उसने 1-2 दिन पहले मंगवा लिए, अब वो चेक वेट करना है, अभी रेट का बचा आएंगे उसके पास, शॉक चेंज करवाएंगे। इसमें बाइक को ये लगवाना था बूटो, उसने खुद ही फिट कर दिया, ये मिल गए भी घूम गए थे पहले, और
अब जाएंगे उसके पास, शॉक मंगवा के रखे उसने पूरे पूरे शॉक विद स्प्रिंग कंप्लेन, जो कंप्लेन कहते हैं क्या है, दोनों शॉक मैंने एहतियातन दोनों, हालांकि लेफ्ट वाला मेरा ठीक था, फिर मैंने दोनों शॉक मंगवा लिए हैं और चलते हैं अभी माशाल्लाह दोनों बाइक। चले हमसे एक शॉक कितने का कह रहा था वो? यार 20,000 रुपये का मुकम्मल शॉक कह रहा था, जोड़ी कहता था नहीं 45,000 रुपये की जोड़ी, एक लेंगे तो कहता चलो 20 करवा लेंगे। चल यार एक फिलहाल एक तो डाल के देखूंगा, दूसरा मेरा सही है ओके है। तुम इस गाड़ी में जाना है? मैं एक गाड़ी में नहीं जाना। चलो हम इसका इंशाल्लाह शॉक चेंज करवाएंगे। यार 5 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई है हमारी और अब जाके ख़त्म हुई है, टाइम हो चुका है 6:17 हो चुके हैं। चलें जी थोड़ी सीढ़ी, यार मैं फुल पीछे रखता हूँ, मेरी आदत है फुल पीछे रखना। वो हमजा जा रहा है, चलो 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 जल्दी 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 जल्दी। कह रहा था कि भाई आप दोनों चेंज कराओ तो दोनों का प्रेशर सेम नहीं होगा, तो मैं कि यार जब एक चीज़ ऑलरेडी ठीक है मैं एक को चलाऊंगा, अगर दूसरा थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा फिर उसको भी चेंज करवा लेंगे, जो ज़्यादा ख़राब है उसको पहले चेंज करवाते हैं ना। चलो फ्लॉक लाइन्स ऐसे पता नहीं क्या कौन सा फ्लॉक लाइन्स है, पहली बार वर्ड सुना है फ्लॉक फ्लॉक लाइन्स फ्लॉक लाइन्स। अच्छा इसको ना बॉडी किट हम की गाड़ी को लगी थी, मैंने ही कहा था मैं क्या उतरवा देगा, और इसके अलावा लाइट लगी हुई थी पीछे बैक लाइट लाइट्स, तो मैंने कहा यार स्ट्रोक लगा स्ट्रोक ज़्यादा प्यारी लगती है। अच्छा यार जो मेन जो चीज़ है ना मेरे YouTube की, उसमें वन मैन शो, मैं खुद ही एडिट करता हूँ, टाइम मिल गया यार ऊपर से काम को भी देखना होता है, वो देख क्या कर रहा है यार तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं यार अब वो एडिट करूं उसको फिर वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक, जब एक बार ब्रेक लग जाती ना यूट्यूब पे तो लग जाती है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन नहीं है पूरा कि मैंने मेरी रोज़ी रोटी इधर से चलनी है, शौक है बस वीडियो यार अल्लाह ने वो फिर अगेन बात की करता हूँ, अल्लाह ने एक ऑडियंस दी है तो उसको अपील करना चाहिए। और यार मैंने दूसरा ये बताना था कि जैसे जैसे जो व्लॉग्स के अंदर इसलिए रहा हूँ कि यार वो बहुत ख़तरनाक गाड़ी चला रहा है और मैं ख़तरनाक गाड़ी नहीं चलाता, मैंने एक शौक छोड़ दी है। और हाँ यार मेरे, हाँ मैं क्या कह रहा था कि ब्लॉग के अंदर नमाज का कहूँगा, यार नमाज मैंने ज़ुहर पढ़ ली है, असर मेरी अभी रह चुकी हूँ, मीटिंग में था, हालांकि मीटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वह नमाज होती है, इंशाल्लाह मैं गाड़ी लगा के इधर 4 फर्ज पढ़ लेते हैं, नमाज लाजमी है यार। अब मुझे बताएं इस तरह के रोड पे रैश ड्राइविंग करना कितना ख़तरनाक है, बाइकों वालों को भरोसा नहीं है, गाड़ी पे चलो नुकसान है गाड़ी का, हमारा तो नहीं है, इंसानी जान का नुकसान ही है बाइक वाले। ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੱਥ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਰ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
Try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone. ये पुराना शौक था, ये जो हमने अंदर से निकाल लिया और ये लीक था, ख़राब हो गया, बस प्रिंट पे चल रहा था, जिसके अफेक्ट आया मेरे जेड लिंक को, बड़ा अफेक्ट आया उसके ऊपर। फिलहाल हम राइट साइड वाला चेंज करेंगे। चेंज हो चुका है और मैं पूरा तब पूरा स्प्रिंग्स में सारा शौक चेंज कर दिया है। वो पड़ा है शौक आपको दिखाई दिया है। और नमाज का टाइम है, नमाज लाज पड़ी, वरना कामयाबी नमाज नहीं होती। शौक होता है नमाज पढ़ना। जी अब रात हो गई है, शौक में शौक 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 लगा था, पर शौक में लगा था। चलो हमारा मेन अब जो उसके अंदर मसला आया यार, हमसे तूने भी मेरी गाड़ी को जब लेने गए थे 207 पे लॉक किया, तो गाड़ी ग्रिप से अगर कोई शौक का मसला आता तो मसला आया ना था। वो न्यू आरएस थी, उनके साथ स्टिल कोई 20-25 मिनट रेस लगी थी, तो अभी वो 207 मतलब हालांकि तुमने उसमें कटिंग की क्या, वरना मसला आया था। मसला यही है, क्या नाम था, टाइमिंग फंडीशन का इशू दे रहे हैं कि वो टाइम वाकई खोल कर देखा है तो हमें भी फील हुआ जो उसके अंदर से ना उसकी रबर के अंदर प्ले बहुत ज्यादा है। हां प्ले बहुत ज्यादा थी। अब वो मैं इंजन के साथ लोहे के साथ लग रहा था, इंजन फंडीशन कहते हैं यार, इंजन के साथ जो फंडीशन लगा होता है, और जब इंजन स्पीड से आप गाड़ी गुजारते थे जंप के ऊपर तो वो इंजन जब हिलता था तो फंडीशन को आवाज करता था। सीधी बात है, जब गाड़ी रैश चलानी है, गाड़ी ने काम पर रैश तो नहीं चलाई है, अब नई गाड़ी जिस बंदे ने चलाई है उन्होंने ली है, उसने उसकी मामा सिस्टर एक की हुई थी, सीधी सी बात है, टर्बो का एंजॉय किया, टर्बो के मजे लिए, टर्बो है ही मजा करने के लिए यार। और सिविक ओरियल 1.8 माशाल्लाह भाइयों के पास भी होगी, और बाबा गाड़ी है, ये चार साल से मेरे पास, और बड़ी रैश भी चलाता हूँ ये, बट इसने कभी काम नहीं कर निकाला, थोड़ा सुकून है शुक्र है। अब कहीं निकाल ना देख रहा हूँ भाई की गाड़ी को देख कर, मुझे भी बुखार हो रहा है, इसको फीवर नहीं आने देता, मैं खुद गर्मी बर्दाश्त कर लेता हूं, इसका फीवर नहीं ऊपर आने देता, और इसकी ना आए दिन ये लाइटें शटें चेंज करता रहता है, पर मैं कहता हूं ये ज्यादा फोकस इंसान को इसके इंजन पे होना चाहिए। लोग एक्सटीरियर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इंटीरियर बड़ा होता है। देखो ना, इंसान का दिल ही ना ठीक हो, बाहर से कपड़े अच्छे पहन ले जो मर्जी कर ले, वो मजा नहीं आता, इसलिए गाड़ी का इंजन फिट हो, आपको कहीं धोखा ना दे, आपके चार बंदों में कहीं कोई ड्रैग लग जाए, कोई दौड़ लग जाए मोटर में, तो आप बताओ एक दफा। सही है, अब हम उसने फंडीशन मंगवाना है, मैं क्या अभी चेंज हो जाए जल्दी जल्दी, रात ठंडा मौसम इसने का कि जल्दी जल्दी, वो जुकाम शुरू वो सुबह आना है वो भी हो जाए। अब जाएंगे हम छोटे से कॉल खाएंगे, उसका फोन आ गया, लांजा है उसका कॉल आ गई, जी अस्सलाम वालेकुम। घर पहुंच गया और बहुत ज़्यादा थक गया, क्योंकि बहुत देर लग गई उधर, और गाड़ी में छोड़ के चले गया था बीच में, और फिर उन्होंने एक शॉक चेंज किया, जो शॉक का मसला ही नहीं निकला, मसला किस चीज़ का निकला, जो इंजन का फंडीशन होता है जिसको टाइमिंग फंडीशन कहते हैं, वो निकला, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ खुला हुआ, अब ये था वो मसला, ये मसला था इस चीज़ का, ये वाला फंडीशन, इस चीज़ का मसला था, ये ख़राब था पूरे का पूरा फंडीशन, ये चेंज है, इसके बाद अपने शौक दोनों ठीक थे, और फिर भी मैंने दोनों शौक अगले चेंज करवा ही लिए, मैं कहा चलो यार फिर भी चेंज कर ही दें आप, और मुझे जो गाड़ी की टोटल कॉस्ट की है, जो फंडीशन आया है वो है आया है बीच में मजदूरी शदूरी डाल डूल के, बीच में मजदूरी डाल के वो आया है 22,000 का, मतलब 18,500 का फंडीशन आया, दोनों फ्रंट शॉक जो आए हैं 45,000 के आए हैं,
बैठे बैठे खर्चा। मैंने चलो कोई नहीं यार, एक बार गाड़ी पाँव पे होना चाहिए। फिर मैंने 1% रिस्क नहीं लिया कि यार शौक में अगर ठीक है फिर भी चेंज करूँ।